अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नई अनबॉक्सिंग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ हैं ज्योति ताहा। ताहा जी, तो आज हम करेंगे एक नए शाहकार का आगाज। और यहाँ पर मैं ताहा जी से पूछूंगा, ताहा जी हमारे पास हमारी ऑडियंस के लिए क्या चीज है? जी, हमारे पास हमारी ऑडियंस के लिए एक Samsung Galaxy तो S24 Ultra, यानी कि आजकल बहुत ज़्यादा पैसों में खेल रहे हैं ताहा जी। कल एक दिन पहले इन्होंने iPhone 15 Pro Max का जो है इफ्तिताह किया, आज ये Galaxy Samsung का करेंगे। यानी कि दोनों मोबाइल जो है टॉप नॉच हैं और दो पैरेलल स्ट्रीम्स की कंपैरेटिव फर्म्स की जो प्रोडक्ट्स हैं। सो आज हमें ताहा जी हमें बताएंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, ये कितने का है, ये नॉन पीटीए है या पीटीए है, अगर पीटीए होगा तो कितने का होगा, और ये आईफोन 15 प्रो मैक्स से कैसे डिफरेंट है। जी तो ताहा जी, चलिए अब हम लोग इसके पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते इसके फीचर्स भी बताता जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। जी तो अब तो अनबॉक्सिंग हो रही है, चले टन टन। ये है हमारा गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। वाह, ये हो गया ऑन। अब देखते हैं कि इसका सेटअप भी हम करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके फीचर्स कैसे हैं, इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि इसकी प्राइस क्या है मार्केट में, नॉन पीटीए की क्या है और पीटीए की क्या है, और अगर पीटीए की नहीं है तो पीटीए करवाने के लिए हमें कितने चार्जेस देना पड़ेंगे? तो आजकल इसकी मार्केट में प्राइस बहुत मज़े की आई है। अगर आप नॉन पीटीए लेते हैं तो आपको अराउंड 3,50,000 का मिलेगा, और अगर आप पीटीए लेते हैं तो आपको अराउंड 4,25,000 या 4,50,000 के अराउंड मिलेगा। और अगर आप इससे नॉन पीटीए लेके पीटीए कराते हैं तो वो आपको पड़ेगा 1,60,000, और इससे अबव भी हो सकता है क्योंकि आजकल रेट्स बढ़ भी रहे हैं, या कम भी हो सकता है। तो इतना महंगा क्यों है? क्या ये कीमे वाला है? नहीं, ये कीमे वाला नहीं है। अब ऐसे कि ये एक न्यू फ़ोन है, इसकी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इसकी प्राइस डिक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि ये ओल्ड होता जाएगा। अभी तो ये न्यू लॉन्च हुआ है तो इसकी प्राइस ज़रा अभी ज़्यादा ही है, तो आगे जाके जब जो बंदे लेंगे उनके लिए थोड़ी प्राइस कम पड़ेगी, जैसे कि 350 या 4 के अराउंड। तो आप हमें ये भी बताएंगे क्या इतना महंगा मोबाइल लेना वर्थ इट है या कि अदरवाइज? वैसे इतना अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए एक अच्छे फ़ोन का तो फिर आप ले लें, अगर वैसे वर्थ इट नहीं है ये फ़ोन लेना, अगर लेना है तो आप Galaxy S22 ले लें या S23, वो भी सेम ही है चीज़, बस टाइटेनियम नहीं है उसमें। ऑलराइट, तो गाइस इसके बॉक्स में हमें कुछ ही चीज़ें मिलती हैं अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ पहले तो आपको एक सिम इजेक्शन टूल मिलता है, एक वायर मिलती है USB-C टू टाइप सी, और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड। गाइस अब हम इसको सेटअप करते हैं। तो अब हम इस मौके पर पहुंच चुके हैं, हमारा Samsung Galaxy और S24। ये है हमारा न्यू Samsung Galaxy S24 Ultra। आपने हमें ये बताना है कि इसकी रैम क्या है, रोम क्या है, इसमें जो है कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, सेल्फी और जो है दूसरे वाला बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, सब कुछ आपने इसके मतलब बताना है। तो इसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं, 256 GB, 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज, और इसमें आता है 512 GB, और एक आता है इसमें 12 1 TB। और इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, वो है कि ना सर्कल टू सर्च, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकंड।
गाइस इसका जो सर्कल सेट फीचर है इसमें मैंने एक आईफोन 15 प्रो मैक्स की पिक्चर ली है। अब हम इस पे सर्च करेंगे, ये है पिक्चर, होम बटन को दबा के रखना है बेसिकली और फिर आपने सर्किल करते हैं। ये आ गया आईफोन 15, ये पता नहीं आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये 13 और 12 दिखा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में एक 15 प्रो मैक्स है। ये देखिए सर्कल टू सर्च फीचर है काफ़ी नीट, लेकिन ये मैं अपने को बताता हूँ कि ये एक्चुअली में ना सैमसंग का फीचर नहीं है, उन्होंने ना बस जैसे कि अब आपके पास जो गूगल वाला गूगल पे आप जाते हैं ना जैसे आप पिक्चर वाले सर्च करते हैं ये उसी तरह का फीचर है, बस इसको एक न्यू टाइप दे दिया है ऐसे करने का। तो इसका फ़ायदा नहीं है लेने ये फीचर, क्योंकि ये आगे जाके जो गूगल पिक्सल आएगा न्यू गूगल ने ऑब्वियसली उसमें भी ये फीचर डाल देना क्योंकि ये है गूगल का। तो